हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं एक नया कंटेंट स्टार्ट करूंगा, विच इज़ पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, पैरेललोग्राम की आपको पहले थ्योरी दे देता हूं, जो ट्रेपेजियम है वो उसके जस्ट पीछे आएगा। मैंने ट्रेपेजियम इसके पहले आपको नोट करवा दिया होगा, लेकिन मैं पैरेललोग्राम इसलिए बता रहा हूं कि ट्रेपेजियम के जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो पैरेललोग्राम के कुछ कंसेप्ट यूज़ होते हैं, तो इसलिए आपको पहले पैरेललोग्राम आ जाए, फिर उसका मैं ट्रेपेजियम भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने थ्योरी लिख रखी होगी तो भी कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम हेडिंग डाल लो और ट्रेपेजियम के नीचे लिख दीजिए कमिंग सून, बस वो आ रहा है। चलिए, पैरेललोग्राम हेडिंग रहेगी आपकी कॉपी में। पैरेललोग्राम का शेप ऐसा होता है, दिस इज द शेप ऑफ समांतर चतुर्भुज, दिस इज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग सुन लेते हैं। लिखा हुआ है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स कहने का क्या मतलब है, ये इसके अपोजिट है। अब ये दोनों साइड्स मतलब कि ए बी और सी डी, ये दोनों इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। वैसे ही बी सी और ए डी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। ठीक है, अब क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो चुके हैं तो वैसे ही अपोजिट एंगल भी इक्वल होते होंगे। मतलब क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल बी बराबर है एंगल डी के, और उस एंगल ए अपने अपोजिट एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बायसेक्ट ईच अदर। तो जो डायगनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं। बायसेक्ट करने का मतलब है एकदम बीचों बीच से बराबर बराबर तोड़ते हैं। ठीक है, समद्विभाजित जिसको बोला जाता है। तो जो डायगनल्स है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर तोड़ देते हैं। ये सब कुछ आपको ख्याल रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। फिर लिखा हुआ एंगल ए एंड एंगल बी एड अप टू 180 डिग्री। मतलब समझो जरा, ये और ये मतलब एंगल ए और एंगल बी को जब आप जोड़ोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर आप कोई भी दो एंगल को ऐड करो उसका सम 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि संपूरक कोण। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर, पैरामीटर मतलब होता है परिमाप। आपको पैरामीटर ख्याल होना चाहिए पैरेललोग्राम का। ट्वाइस ऑफ बेस इनटू साइड लेंथ, ये है बेस। फॉर एग्जांपल दिस इज द बेस ए बी, तो साइड लेंथ उसकी बी सी हो सकती है या फिर ए डी हो सकती है, कोई भी ले लो दोनों ही बराबर होगी। तो ये है पैरीमीटर, ट्वाइस इंटू बेस प्लस साइड लेंथ। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, इसी कंटेक्स्ट में कुछ भी ले सकते हो, सब ओके है। एरिया, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। देखो भाई, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट को डबल कर दोगे, मतलब ट्राइंगल का एरिया को अगर आप डबल कर दो तो आपको मिलता है पैरेललोग्राम का एरिया विच इज बेस इंटू हाइट। कंफर्टेबल अपन, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल का एरिया अगर आप डबल कर दो तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी है जो आपको कॉपी कर लेनी है। मैं अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इसमें ये यूज होगी, यू शुड कॉपी दिस। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन वाले सेक्शन पे। मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई है उस पर आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व होंगे। कंफर्टेबल है इसमें? चलिए बच्चों लोग सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर वन मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ, इतना से देखते जाइए। लिखा हुआ है इन्हें पैरेललोग्राम ए बी सी डी, वो बना हुआ है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इफ़ एंगल ए की वैल्यू मुझे गिवन है और एंगल सी की भी वैल्यू मुझे गिवन है और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है वो। क्वेश्चन आगे समझ में, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में ए और सी एंगल आपको गिवन है और आपसे उसने एक्स की वैल्यू पूछ रखी है। तो मैंने अभी यहाँ पर अभी भी लिखा था कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर आप गौर करो, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अपोजिट एंगल क्योंकि इक्वल होते हैं, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। दिस इज व्हाट आई कैन राइट। इतनी बात समझ में आ गई? तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। अपोजिट एंगल सारे इक्वल, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी मेरे पास, वो है 2x प्लस 35 और एंगल सी की वैल्यू कितनी मेरे पास, विच इज 3x माइनस 5। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू दिस वन 40। कंफर्टेबल है इसमें? तो ये एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड बहुत ही सीधा सवाल था, बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ख्याल रहे। तो क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन है x की वैल्यू उसने आपसे पूछी थी, उसका आंसर होगा 40। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू एक बार आप पहले पढ़ लेते हैं, इतना से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू कहता है टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:3 इफ इट्स पैरीमीटर इज 56 फाइंड लेंथ। बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो साइड्स का रेशियो है 4:3। अब मैं मान लेता हूँ वो जो साइड है इसको ए कंसिडर कर लिया
और इसको मैंने बी कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ए बी, ए बी सी बी, इसका जो रेशियो है मुझे गिवन है 4:3, ठीक है। और साथ में जो गिवन है पैरीमीटर इज इक्वल टू 56, फाइंड द लेंथ बोल रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों लोग सॉल्व करते हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया हुआ है कि अगर कभी भी कोई भी डेटा रेशियो में गिवन हो और उसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो कुछ नहीं करना चाहिए, उसे कंसिडर कर लेना चाहिए, मतलब उसे ब्रेक कर लेना चाहिए एक्स के फॉर्म में। जब भी रेशियो को तोड़ोगे तो एक वेरिएबल लेना पड़ता है विच इज एक्स। तो जैसे ये ब्रेक होगा वो टूटेगा 4x में और 3x में। जैसे ही आप वेरिएबल कंसिडर कर लेते हो, जैसे आप एक्स लगा देते हो, तो वो उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू बन जाती है। आगे बात समझ में। तो a is equal to हो गया 4x और b is equal to हो गया 3x। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी रेशियो टूटता है तो हमेशा एक वेरिएबल दिया जाता है एंड वेरिएबल इज x, ठीक है। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे a की वैल्यू पता चल गई, मुझे b की वैल्यू पता चल गई। पेरीमीटर का फंडा मैंने अभी यहां पर लिखा था, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ साइड प्लस बेस, अभी यहां पर लिखा था। तो अगर आप ए को बेस मान लो और इसको एडजेसेंट साइड मान लो, तो आप लिख सकते हो साइड की वैल्यू, दिस इज द साइड 3x और बेस, बेस की वैल्यू हो गया 4x, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ हो गया 7x, कंफर्टेबल है अपन। ये हो गया इसका बेस और वो हो गया इसकी साइड, तो पेरीमीटर का फंडा मैंने अभी लिखा था। तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि पेरीमीटर जो है उस पैरेललोग्राम का 56 है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो जो डेटा गिवन था उसको मैं पुट कर देता हूं। तो जैसे इसको पुट करो तो हो जाएगा 56, ठीक है। तो हो जाएगा 8 7 56 एंड 2 से इसको 4 टाइम्स में कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4, ठीक है। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। एग्री, कंफर्टेबल है मैं इस पे। x की वैल्यू 4 आ गई, उसने बोला था भाई फाइंड लेंथ, मतलब दोनों की वैल्यू आपको पूछा था उसने। तो a क्या था मेरे पास, a था 4x, तो आपने x की वैल्यू पुट कर दिया, 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर या फिर मीटर या जो भी यूनिट होती होगी। और b इज इक्वल टू था 3x, 3 × 4 हो गया 12। तो पैरेललोग्राम की जो लेंथ है वो 16 और 12 हो गई। तो ये 16 है, वो 12 हो गया, वो दोनों तो बराबर है। तो दिस इज 16, दिस इज 16, दिस इज 12, दिस इज 12। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, पता चला आपको किस तरह से काम किया इसने। एग्री, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एक घड़ी ख्याल करते हैं। क्वेश्चन 3 में आपके लिए पढ़ने वाला हूँ। क्वेश्चन 3 कहता है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विद साइड्स बी सी, ए बी इज इक्वल टू 12 एंड बी सी इज इक्वल टू 10 एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 16। अब आपसे वो एरिया पूछ रहा है। चलो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होने वाला है, एक बार इस बना से समझ लेते हैं। ए बी की वैल्यू मुझे गिवन है, किधर गया 12, ये रहा। ए बी की वैल्यू मुझे गिवन है 12 और बी सी की वैल्यू मुझे गिवन है 10, ये मुझे गिवन है 10। और बोल रहा है एक डायगोनल हम लोग लेंगे अभी, तो चलो भाई आपके लिए मैं एक डायगोनल कंसीडर कर लेता हूँ जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है विच इज 16। ये रही वो डायगोनल जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 16, ठीक है। और आपको पूछ रहा है एरिया उस पैरेललोग्राम का, उसने आपसे एरिया मतलब कि क्षेत्रफल उसने पूछ लिया, ठीक है। मैंने जब भी क्लास ले रहा होता हूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता हूँ पर्पसली, कि कुछ कुछ बच्चों को हिंदी सुनना पसंद आता है, तो मैं ख्याल कर रहा हूँ उस वाली बात का। तो अगर थोड़ी बहुत अगर मैं इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करूँ उसको लेकर परेशान मत होना, ये आपके लिए अच्छा है। थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश के टर्म्स अगर आप सीख गए विच इज़ गुड। तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आपको मैं अभी बताने वाला हूँ कि इस कंटेक्स्ट में आप एरिया कैसे निकालोगे, कंटेक्स्ट क्या है एक बार सुन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए बी गिवन है, बी सी गिवन था और डायगोनल गिवन था, और आपसे पैरेललोग्राम का वो एरिया पूछ रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अभी, मैं इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल के बताऊँगा। ए बी सी ढूंढो तो पिक्चर कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा वो ट्रायंगल ना। पहले आपको मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल कर बताऊंगा। तो अगर मेरे को इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो उस ट्रायंगल की एबीसी जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स गिवन है, 12, 10 और 16 तीनों साइड्स गिवन है। तो मैंने आपको इसके पहले जब ट्रायंगल डिलीवर किया था उसको बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका एरिया निकाला जाता है हीरोज फार्मूला के थ्रू। जिनको ख्याल ना हो पिछले वाले वीडियोस में जाइए, उसमें मैंने ट्रायंगल कन्वे किया हुआ है, वहां पर हीरोज फार्मूला आपको समझाया है, वहां से देख कर आइए। मैं यहां पर डायरेक्ट अप्लाई करने वाला हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी के तीनों साइड्स गिवन है, तो हीरोज फार्मूला के थ्रू निकालेंगे उसका एरिया। किसका भाई, ट्रायंगल एबीसी का। कैसे निकालेंगे सर, हीरोज फार्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और ये होगा अंडर रूट। तो ये हो गया लेट से मेरा ए, ये हो गया लेट से मेरा बी और ये हो गया लेट से मेरा सी। एस क्या होता है, एस को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू से, ए बी और सी।
तो हो जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 38/2, मतलब आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू आ गई है मेरे पास 19। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 19 माइनस 12, 19 माइनस 10 एंड 19 माइनस 16 और उसका अंडर रूट। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉल्व करूँ तो 19 माइनस 12 इज 7 9 3 अंडर रूट, गॉट इट। 9 का अंडर रूट जैसे बाहर निकल जाएगा 3, और इसे आप जो है सॉल्व नहीं कर सकते तो इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, 19 इंटू 7 इंटू 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली वहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो, तो ऐसे वैसे ही रहने देता हूँ। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 59.9 निकल कर आता है एग्जैक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ करने के बाद। ठीक है, तो ये क्या आया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पता चल गया 59.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एग्री। अब देखो भाई, मैंने इसके पहले आपको प्रॉपर्टी डिलीवर की थी उस वक्त आपको बताया था, जब आपको ट्रायंगल का एरिया पता चल जाए, बात को जरा समझना, जब आपको ट्रायंगल का एरिया पता चल जाए उसको डबल कर दो तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाता है। आपको एक हाफ का एरिया पता चल गया 59.9, पूरे का एरिया जाना है तो हाफ का डबल कर दो पूरे का एरिया पता चल जाएगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आएगा 59.9, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 118.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है 118.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आराम से कॉपी कर लो, देख लो, कोई बात अगर था समझ में उसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना। ओके, कॉपी दैट। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बहुत ही इत्मीनान से अभी सीखने वाले हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलने वाले हैं। लॉन्गर साइड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। ठीक है भाई, चलो आपको एक बार समझा देते हैं, सुन लो। दो एडजेसेंट है मतलब आजू बाजू की जो साइड है उसकी आपको वैल्यू की बने, आजू बाजू की साइड की वैल्यू की बने 15 और 10, ये हो गया 15 और ये हो गया 10, ये आजू बाजू की साइड की मेरे को वैल्यू गिवन थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। वो कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड। अब दो लॉन्गर साइड, देखो भाई ये 15 है, मैंने इसके पहले बताया था ये भी क्या होगा 15, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अब वो 15 और 15, क्योंकि लॉन्गर वही है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला, ये मुझे गिवन कर दिया उसने 8, एग्री। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे उसने गिवन कर दिया विच इज 8, एक्सेप्टेड। चलो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि मुझे गिवन है 8, कंफर्टेबल। अब बोल रहा है एरिया बता दो, चलो जरा इतना से सुनते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ये मैं आपको सॉल्व करके देने वाला क्वेश्चन 4, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया था बेस इंटू होता है हाइट। ठीक है, तो अब हाइट जो परपेंडिकुलर हाइट मुझे गिवन है वो मुझे गिवन है 8, और इस 8 के करस्पॉन्डिंग बेस क्या होने वाला है 15, एक्सेप्टेड। तो 15 × 8 = 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये होगा क्वेश्चन 4 का आंसर, एक्सेप्टेड। चलिए भाई, ये हो गया क्वेश्चन 4 जो आपको कॉपी करना है। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस, इफ एरिया इज 108 फाइंड द बेस एंड हाइट। आप बहुत आराम से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 बिल्कुल इसी वाले फंडे से बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, आप इस वाले क्वेश्चन को इस वाले फंडे से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, वीडियो पॉज करो, आंसर कमेंट सेक्शन में डालो, मैं यहाँ पर आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ, एक बार इतना आंसर देख लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक बार खुद से सॉल्व करके देखना है भाई, क्वेश्चन 5 आपको डिलीवर करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि जो हाइट है वो 1/3 है बेस के, मतलब h इज इक्वल टू आई कैन राइट 1/3 × b, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, एक्सेप्टेड। अब बोल रहा है इफ एरिया इज 108, चलो भाई तो फिर लिख लेते हैं, एरिया इज 108 इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट,
where height is equal to 1/3 of base is equal to 108. Accepted. जैसे इसको आप सॉल्व कर जाएगा 108, 8 3 24, 324, b इक्वल टू जाएगा 324 की छतरी और उसकी वैल्यू आ जाएगी 18, मतलब बेस की वैल्यू आ गई है मेरे पास 18, बेस की वैल्यू है 18 क्योंकि 324 का अंडर रूट होता है 18, है ना। तो उससे वो बेस और हाइट की वैल्यू पूछ रहा था, तो बेस पता चल गया आपको, हाइट आपको जाना था, हाइट था 1/3 ऑफ बेस तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये है उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, क्वेश्चन 5 का फाइनल आंसर है 18 and 6। एक्सेप्टेड, ठीक है। ये हो गया पैरेललोग्राम की पूरी थ्योरी और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो आपको जैसे पैरेललोग्राम आइडिया लग गया ना, तो अब जब मैं ट्रेपेजियम डिलीवर करूँगा ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ट्रेपेजियम के क्वेश्चन फॉर श्योर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको मुझसे धीरे धीरे बिना आंसर सीखना है, ठीक है, बने रहिएगा।